नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व वृषभ राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ और आज का कम्बिनेशन मिथुन लगन व वृषभ राशि का है। सबसे पहले हमें समझे कि मिथुन लगन व वृषभ राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका मिथुन लगन है। चंद्रमा द्वादश में 2 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी वृषभ राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मिथुन लगन और वृषभ राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि वर्ष 2024 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। मिथुन लगन में 4थे भाव में केतु का गोचर हो रहा है, शनि महाराज भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं स्वराशि के, राहु दशम भाव में है, इसका मतलब दशम और 4था भाव राहु केतु के अक्ष में है, और दशमेश गुरु लाभ भाव में गोचर करेंगे वर्ष के आरंभ में, और मई 2024 के बाद गुरु जो है द्वादश में चले जाएंगे जो थोड़ी नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही 9 अक्टूबर को गुरु बकरी होंगे वो फिर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। वृषभ राशि में बात करें तो पंचम में केतु का गोचर हो रहा है और दशम भाव में शनि महाराज स्वराशि के चल रहे हैं, एकादश भाव में राहु का गोचर, वर्ष के आरंभ में देव गुरु बृहस्पति द्वादश में होंगे और मई 2024 को वो लगन पर आ जाएंगे जहां से उनकी पंचम सप्तम व भाग्य भाव पर दृष्टि हो जाएगी। ये ग्रहों की स्थिति है मिथुन लगन व वृषभ राशि से। मिथुन लगन और वृषभ राशि से अगर हम बात करें कि वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है तो हमारे लिए एक समय निकल कर आता है। समय 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो जनवरी से अप्रैल और एक 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर। यानी वर्ष का जब आरंभ होगा तो जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, और आगे चलकर जब देवगुरु बृहस्पति बकरी होंगे 9 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर। वैसे 9 अक्टूबर से लेकर आप 2 फरवरी 2025 तक मानिए, क्योंकि 2 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, वो आपके लिए काम के लिए एक शुभ समय होगा। तो आपको वर्ष 2024 में कुछ भी नया प्लान करना है तो इसी समय पे तैयारी कीजिए, या तो जनवरी से अप्रैल के बीच में या 9 अक्टूबर के बाद। मिथुन लगन में 4था और 10थ भाव राहु केतु के अक्ष में है। ये 4था भाव में केतु का बैठना कि आपके रहने की जगह में परिवर्तन, और दशम भाव में राहु का बैठना कि आपके काम में कुछ बदलाव। काम में बदलाव को हम इस तरीके से ले सकते हैं, या तो वर्तमान नौकरी में आपका ट्रांसफर हो जाए, आप जैसे सरकारी नौकरी में तो आपकी ट्रांसफर की संभावना बनती है, या ये हो सकता है कि अब आपका मानस बन जाए और आप अपनी नौकरी को बदलना चाहें, और व्यापार में हो सकता है कि आप किसी नई चीज की शुरुआत करें, आपको लगे नहीं मुझे अब इस काम को करना चाहिए वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वर्ष आपके काम करने में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, या तो काम में बदलाव होगा या काम करने के तरीके में बदलाव होगा, और आप व्यापार करते हैं तो किसी नई चीज को ऐड करेंगे या किसी पुरानी चीज को खत्म करेंगे, तो कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि 4था और 10थ भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया है। तो आपके लिए जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर कैरियर से जुड़ा शुभ समय है, जब आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जॉब बदलना चाहते हैं आप, अपने प्रमोशन की प्रयास करना चाहते हैं, इस वर्ष आपके ट्रांसफर की भी संभावना बनती है, और दशम भाव पर राहु का गोचर हो रहा है, इस वर्ष आप विदेश जाने का भी प्लान कर सकते हैं। वर्ष में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके पास धन लाभ की स्थिति बनेगी, और बाई चांस आपकी कुंडली में चंद्र की, मंगल की, बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो धन लाभ की संभावना ज्यादा बनेगी। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय होने की संभावना है, और जो दंपति संतान प्लान करना चाहते थे वो वर्ष 2024 के लिए संतान भी प्लान कर सकते हैं। इस वर्ष आपको संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए शानदार समय है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लग के पढ़ना चाहिए, और अगर उन्हें पढ़ने में कोई बाधा आ रही है तो वो पंसारी की दुकान पर जाकर 11 हरसिंगार के बीज ले आए और गुरुवार को उसको अपने पढ़ने के तखिए पर रख लें, तखिए में किसी थैली में बांध के रख लें, उस तखिए पर पैर न रखें। वो हरसिंगार के बीजों वाला तखिया जब रात भर लगाएंगे तो आपकी धीरे धीरे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। जनरली होता है क्या, जब पढ़ने बैठते हैं तो आधा पौना घंटे बाद दिमाग हट जाता है, तो कोशिश करिए कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए और पढ़ते समय मुंह ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखिए। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को गुरु के गोचर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गुरु यहां से आपके पंचम को देख रहे हैं लगन से, और वृषभ राशि से भी आपके पंचम को देखेंगे। पंचम भाव को गुरु जैसे ग्रह का देखना इस बात का संकेत है कि पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु जो है वर्ष के आरंभ में वृषभ राशि से द्वादश में है और आगे चलकर लगन से द्वादश में हो जाएंगे, तो गुरु का गोचर जब भी 4, 8, 12 में होता है तो प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग बनाता है। अगर बाई चांस आपकी कुंडली में मंगल की, गुरु की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप इस गोचर का लाभ उठाइए और इस वर्ष प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लगन और राशि दोनों से ही गुरु बारवा रहेगा कुछ ना कुछ समय के लिए, तो इस बात का संकेत है कि इस वर्ष आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, या कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा, या आपकी धार्मिक यात्रा होगी,
क्योंकि जब 12वां गुरु होता है तो वो आपके शुभ कार्यों में खर्चा कराता है या आपके हाथ से कोई दान पुण्य निकलेगा, ये वर्ष ऐसा है। साथ ही साथ तो मेरा यह मानना है कि अगर आपको वर्ष 2024 में कैरियर से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेना है, या तो उसे जनवरी से अप्रैल के बीच में लीजिए या अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में। अब हम देखें कि वर्ष 2024 में हमारे लिए सावधानी रखने का समय कौन सा है। वो समय हमारा शुरू होता है 1 मई से लेकर 8 अक्टूबर। ये वो समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे। वो मार्गी रहेंगे, ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से बाहर में होंगे, यानी आपका दशमेश द्वादश में होगा और आपका सप्तमेश द्वादश में होगा। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है। पहली बात मैं आपको सलाह दूंगी कि मई से 8 अक्टूबर के बीच में आप अपना जॉब बदलने का विचार बिल्कुल ना करें। या तो 30 अप्रैल से पहले जॉब बदल लें या 9 अक्टूबर के बाद बदल लें। बीच में मई से 8 अक्टूबर के बीच में जॉब बदलने का विचार ना करें। व्यापार में किसी प्रकार की बड़ी जोखिम लेने से बचें। गुरु 12वां होगा, सप्तमेश द्वादश में होगा और केतु से दृष्ट होगा, तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव का संकेत और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। 12वां गुरु कई बार कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम देता है, इसलिए मई से 8 अक्टूबर तक कोर्ट से जुड़े मामलों में सावधानी। और इसके लिए आप जो है राहु का कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं। बुधवार या शनिवार को बहते पानी में कोले प्रवाहित कर सकते हैं और केतु के लिए बुधवार को गणेश जी के मंदिर में आप कम्बल का दान कर सकते हैं या 1 या 2 नीम के पेड़ भी लगा सकते हैं, जिससे आपको कोर्ट केस में थोड़ी सी आसानी रहे। इस वर्ष आपकी इनकम होने के साथ साथ खर्चे भी आपके अधिक होंगे। खर्चे अधिक होने का अर्थ है कि इस बार आप सेविंग थोड़ा सा कम कर पाएंगे, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो वर्ष में हमें काफी अच्छा समय मिल रहा है, जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर, यानी पूरे वर्ष हमारे पास ऑप्शन है अपने काम को प्लान करने के लिए। बस आप काम इस तरीके से प्लान करिए कि कोई भी महत्वपूर्ण काम मई से 8 अक्टूबर के बीच में मत कीजिएगा। अगर आप इस तरह की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। मेरा मानना है कि अगर आप मिथुन लग्न व वृषभ राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए 55% तक बढ़िया जाएगा। और बाय चांस आपकी कुंडली में दशाएं बहुत शुभ हुई, जैसे बुध की, शुक्र की या शनि की दशा या अंतर दशा चल रही होगी, तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज 55 से 60 भी हो सकती है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मिथुन लग्न व वृषभ राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।